हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे भी बारिश बहुत सारी हो रही है ना, तो आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ स्पेशल गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेना है और उसके अंदर डाल देना है बेसन। इसके बाद यहाँ पर हम एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एकदम थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी एकदम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना है। फिर इसके अंदर डाल देंगे अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों से एकदम अच्छे से क्रश कर लेना और इसके बाद ही इसमें डालना। इससे जो अजवाइन का फ्लेवर है ना, वो ब्रेड पकौड़ा में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हींग डालनी है। फिर इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और फिर एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और इसके बाद यहाँ पर डाल देना है हल्दी पाउडर और साथ में इसके अंदर डालना है एक चम्मच चावल का आटा। इससे जो आपका ब्रेड पकौड़ा बनेगा वो एकदम क्रिस्पी बनेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है और जब ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो इसमें पानी ऐड कर देंगे और फिर वापस से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स जरा भी नहीं रखना है। ठीक है, और इस तरह से बेसन का बैटर बनाना है। देख सकते हो गाइस, इसी तरह से होना चाहिए। ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो इस तरह से आप भी रख लेना बेसन का बैटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है, उसको इस तरह से पीस में कट कर लिया ट्रायंगल पीस में। और फिर है ना, ब्रेड के ऊपर यहाँ पर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ आलू का मसाला, जो कि मेरे पास पड़ा था। तो आलू का मसाला इस तरह से ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। ठीक है, तो देख सकते हो इसी तरह से आपको भी कर लेना है। फिर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद दूसरी ब्रेड की स्लाइस इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और हल्के हाथों से प्रेस कर लेना, ताकि ये सब आपस में एकदम अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद ये जो हम लोग ने ब्रेड की स्लाइस को कट करके आलू का मसाला बीच में भरा है ना, उसको इस तरह से बेसन के बैटर में डिप कर लेना है और इस तरह से सारे मतलब ब्रेड को एकदम अच्छे से कवर कर लेना है बेसन से और फिर गर्मा गर्म ऑयल में इस तरह से डाल देना है। एक मिनट के लिए पका लेना है और एक मिनट के बाद इसको इस तरह से पलटेंगे। ठीक है, तो पहले इसको इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डालते जाओ और फिर इसको पलटना है, एकदम इजीली पलटना और फिर वापस एकदम अच्छे से पका लेना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो देख सकते हो गाइस कितने झटपट और कितने इंस्टेंट और कितने क्रिस्पी हमारे ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी बनकर रेडी भी हो गई है। तो गर्मा गर्म सर्व करें और इन्जॉय करें। और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक बार ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।